खिलाड़ी किसी भी जाति या पार्टी का नहीं होता, खिलाड़ी तो सिर्फ और सिर्फ देश का होता है। लेकिन ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आती जो बात का बतंगड़ बनाने में बादशाह होते। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जब खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेकर आते हैं तब तक ही क्या होता है, उसके बाद उनके प्रति देश की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। क्यों पहलवानों के समर्थन में बोलने पर बजरंग पुनिया को ही जातिगत आधार पर टारगेट किया गया। आज हम देंगे इस वीडियो में खिलाड़ियों के अपमान के बड़े सबूत, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। सबसे पहले तो हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, आप इसे देख सकते हैं। इस वीडियो में ब्रजभूषण शरण सिंह को आप साफ साफ देखिए किस तरह से उसने एक छोटी सी हेल्प मांगने पर एक युवा रेसलर को सबके सामने बीच कार्यक्रम में थप्पड़ जड़ दिया। यही है वो शख्स जिसके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अब लोगों का सवाल इस वीडियो पर यही उठाया गया है कि जब ये लड़कों के साथ इस तरह से बिहेव कर सकता है तो लड़कियों के साथ उसने न जाने क्या क्या किया होगा। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं, आपने सुना होगा अक्सर। इन बेटियों ने अपने खून पसीना और जिंदगी सब कुछ देश के नाम कर दिया। जब भी पदक जीत कर आती है तब तो पूरे देश का सर गर्व से ऊपर हो जाता है, लेकिन जब वो बेटियां गंभीर आरोप लेकर जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं तो क्यों इनकी सुनवाई नहीं हो रही, ये बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। और सबसे बड़ा सवाल हमारी कानून व्यवस्था पर लगता है। जब ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तब बार बार धरने पर बैठने की क्यों जरूरत पड़ती है। और ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है जहां उत्पीड़न का मामला उजागर हुआ हो। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो उसमें बार बार मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को अपमानित करने का आपको सबूत मिल जाएगा। अभी अभी जो हमने आपको ब्रजभूषण चरण सिंह का वीडियो दिखाया है इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वो किस तरह से खिलाड़ियों से पेश आता है। और अगर वो मेल खिलाड़ियों के साथ इस तरह से बिहेव करता है तो उसने महिला खिलाड़ियों को किस तरह से ट्रीट किया होगा, ये सोचने वाली बात है। और तो और इन खिलाड़ियों का साथ देने वाले खिलाड़ियों को भी टारगेट किया जा रहा है। देखिए, बजरंग पुनिया ने जब इनकी आवाज को उठाने का काम किया तो उनको भी टारगेट कर दिया गया। पढ़िए इस ट्वीट पर, आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ट्विटर पर हम आपको एक के बाद एक ट्वीट दिखा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं चंद्रशेखर आजाद का वो वीडियो जहां पर वो साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देश का युवा जमीन पर लड़ाई लड़ रहा है और देश के हुक्मरान कान में रुई डालकर बैठ गए हैं। सुनिए उन्हीं की जुबानी कि देश की वीरांगना है, देश का गौरव, देश का युवा, देश का नेतृत्व करता है, जमीन पर बैठ के अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, दिल्ली में बैठ के लड़ रहा है और देश के हुक्मरान कानों में रुई डाल के चैन से सो रहे हैं। और ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं। अगर आज हम लोग नहीं खड़े हुए कल आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल पूछेंगी कि जब वहां विनय, साक्षी, बजरंग और तमाम हमारे भाई बहन वहां बैठे थे तब आप लोग घर में चैन से कैसे सो रहे थे बताओ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 12 साल में जितनी भी महिला खिलाड़ी आई उनका शोषण होना बहुत बहुत बड़ी बात है। और अब उसके लिए जब उसे आवाज उठाई जा रही है तो जिम्मेदार चुप बैठे हैं। इतने संगीन आरोप लगने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, वो इसी का सबूत है कि राजनीति का स्तर बेहद गिरता जा रहा है, जहां ऐसे लोगों को पनाह मिल रही है जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल गिरा हुआ हो। आपको सुनाते हैं इंटरनेशनल रेसलर विनेश फोगाट की जुबानी। आप बीती क्वेश्चन करे थे, अगर हमें इतना बड़ा कुछ करना ही होता, अगर हम पॉलिटिक्स ही करनी होती तो हम पहली बार उठते थोड़ी। नहीं, तीन महीने कैसे बीते, मतलब जब पहला खत्म हुआ फिर आप तीन महीने सेकंड प्रोटेस्ट शुरू। बहुत बहुत डिफिकल्ट था। एक दिन हम मतलब जैसे ही घर पे गए तो हम ये था कि ये तो लोग अभी हमारी मतलब सुन ली है सारी चीजें, चार हफ्ते का टाइम दे दिया, तो वो चार हफ्ते बिल्कुल एक एक दिन गिन गिन के कि अच्छा आज 9 तारीख हो गया, आज 10 हो गया, 11 हो गया। ट्रेनिंग तो देखो हो ही नहीं रही थी क्योंकि टेंशन इतनी चल रही थी कि इतना बड़ा हमने काम तो कर दिया है, ओपनली बोल तो दिया है, लेकिन अब ये जाएगा किस दिशा में, क्योंकि गेम कर रहे हैं, गेम कर नहीं पा रहे हैं, ट्रेनिंग हो नहीं पा रहा है। जैसे जैसे 4 वीक चले गए फिर उन्होंने 2 वीक का और बोला, फिर हमारी परेशानी और बढ़ गई कि 2 वीक्स का कैसे टाइम। फिर हम उनसे फोन कर करके झगड़ा कर रहे हैं कि आप 2 महीने 2 हफ्ते क्यों बढ़ा रहे हो, आपको पता नहीं हमारी ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो लोग कि हम क्या करें, आप लोग मतलब इतने चीजें बोल रहे हो तो इन्वेस्टिगेशन में टाइम लग रहा वो। तो फिर हमने कैसे जैसे तैसे करके बोला कि चलो ठीक है 2 हफ्ते और ले लो। फिर जैसे ही वो 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए ना, फिर वो लोग हमसे कनेक्शन तोड़ने लग गए, वो हमसे मतलब हमारे से बातचीत करना बंद कर गए। 10 फोन करते हैं ना तो 1 फोन उठाता है, वो भी जिसके पास करते ना वो नहीं, उनके नीचे वालों के बोलते कि जब उनसे बात कर लो उनका कोई फोन आ रहा है, क्या बोलना, मतलब कि पागल बनाने वाली बात होने लगी कि उनसे मतलब ऐसे हो जाएगा कि हमने फोन भी कर लिया लेकिन जिससे बात करनी थी वो बात नहीं करता था। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से फोन किया काफी बार,
दो तीन बार बजरंग निटाई किया, एक दो बार मैंने की सर तो ना बाहर है, सर बिजी है, सर बाद में करेंगे, मैं बोल दूंगा सर को, लेकिन कभी कॉल बैक नहीं हुआ। ओवरसाइट कमेटी की जो बात आप, हाँ ओवरसाइट कमेटी में, तो हम ओवरसाइट कमेटी वाले तो बोलते थे कि हमें नहीं पता हम क्या बताएं, क्योंकि मैरी कॉम बनाई थी अध्यक्ष, लेकिन मैरी कॉम करती नहीं थी। तो ये है वो सबूत जो साफ साफ बता रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों के साथ क्या क्या हो रहा है। जिस साक्षी मलिक ने भारत को ओलंपिक में पदक जितवाया, आज वो सड़क पर रो रही है। जिस विनेश और संगीता ने एशियन, कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पदक दिए, उनके भाई का सर फोड़ा जा रहा है। और जिस बजरंग पूनिया ने भारत को ओलंपिक में पदक दिलाया, पुलिस उसको धक्के मार रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ऐसी भी क्या मजबूरी है जनाब कि एक ऐसी विकृत मानसिकता वाले आदमी को सब सपोर्ट कर रहे हैं जिस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। यहां तक कि आपको बता दें कि एक लाइव न्यूज में इन्होंने हत्या की बात को कबूला है और आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की ये मदद भी कर चुके हैं। और जब इस पर इतने गंभीर आरोप महिला खिलाड़ियों ने लगाए हैं तो सोचने वाली बात तो यह है कि ऐसे इंसान को क्यों सजा नहीं दी जा रही। अगर खिलाड़ियों को इस तरह से टॉर्चर किया गया और जो आरोपी है उसको संरक्षित किया गया, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि यह देश किस तरफ आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि जल्दी ही आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, नहीं तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी देने वाली ये कौम आपको कभी माफ नहीं कर पाएगी। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है, क्या आप भी सहमत हैं हमारे इन सारे सवालों से, जरूर लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जो जिम्मेदारों तक ये पहुंच सके, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सोल्यूशन है मिशे मीडिया सोल्यूशन, क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड, या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग, या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो, या फिर करवाना हो अपने यूट्यूब चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishemediasolutions.com पर, या फिर कॉल करें 9549700549।